कोरोना महामारी के बीच देश भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं स्वतंत्रता समारोह को लेकर लाल किला परिसर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों और सुरक्षा कारणों से लाल किले को आम लोगों के लिए 15 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। इस दौरान लाल किले में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके साथ ही लाल किले के बाहर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। 15 अगस्त को लेकर लाल किले के बाहर तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है बंदोबस्त कर दी गई है और तमाम जो जितने भी दरवाजे हैं, मैं इस वक्त दिल्ली के सुनहरी गेट, जो लाल किले के पीछे का दिल्ली गेट है, वहाँ पर जो सुनहरी मस्जिद है उस वाले गेट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बैरिकेड लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि पूरी जो है बैरिकेडिंग से रास्ता बंद कर दिया गया है और एक ही बैरिकेडिंग नहीं है, 3-4 लेयर में बैरिकेडिंग लगाई गई है और अंदर भी जो है जो लाल किले के जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं, CISF जवान और लोगों को तैनात किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बम दस्ता है, बॉम्ब डिस्पोजल वैन भी खड़ी हुई है और NSG कमांडो भी अंदर तैनात किए गए हैं। SPG के जवान खड़े हुए हैं और यही नहीं, आप देख सकते हैं सामने भी जो है CISF के जवान जो है बैठे हुए नज़र आएंगे आपको और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद जो है कर दी गई है। अंदर जाने की अनुमति नहीं है, चाहे आप मीडिया से हो, चाहे यहाँ के अधिकारी हो, चाहे यहाँ का स्टाफ हो। दरअसल कोरोना के चलते इस बार पिछले सालों की तुलना में इसका अंदाज कुछ बदला सा रहेगा। इस बार समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, लिहाजा कुर्सियों को 2 गज की दूरी पर लगाया गया है। इतना ही नहीं, इस दूरी के चलते यहाँ की क्षमता पर भी असर पड़ेगा, लिहाजा समारोह में बुलाए जाने वाले स्कूली बच्चों के अलावा VIP लोगों की संख्या भी करीब 1/4 कर दी गई है। पहले कार्यक्रम में हजारों स्कूली बच्चे आते थे, इस बार ये नहीं आएंगे। इनकी जगह इस बार 500 NCC कैडेट्स को बुलाया गया है। पहले कार्यक्रम में 25,000 अतिथि शामिल होते थे, इस बार 5,000 के करीब ही मेहमान उपस्थित हो पाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम के बजाय दिल्ली सचिवालय में स्वतंत्रता दिवस मनाएगी, इसीलिए सचिवालय के परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। INS TV के लिए मोहम्मद शोएब की रिपोर्ट।